जब आप क्लोज टू फिनाले होते हो ना, मतलब ट्रॉफी के एकदम करीब होते हो ना, और वो ट्रॉफी आपके हाथ से निकल जाए, तो दिल में ना एक धक्का सा लगता है यार। प्रिंस भाई से सच बताओ ना, प्रिंस भाई से सब लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन है कहीं ना कहीं पे, और क्योंकि वो इतने टाइम से रोडीज करते हुए आ रहे हैं। तो जब मैं गया था उनकी गैंग में गया था यार, देखो सच बताऊँ, जब मैं आउट हुआ ना, तो एक चीज़ तो मैंने देखी कि जर्नी में मुझे सारे गैंग लीडर्स ने प्यार किया, चाहे वो प्रिंस भाई हो चाहे वो गौतम सर। मतलब ये हमारा शो है, कंटेस्टेंट का शो है, और गैंग लीडर्स आपस में झगड़ रहे हैं, ये इतना भयानक हो गया था वो। आई रिमेम्बर कि आपस में वो लोगों के हाथ उड़ जाते होते। रूडीज़ का जर्नी बहुत ही रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा है, एंड हर एक सेकेंड को, हर एक लम्हे को इन्जॉय किया है जर्नी पर, और फियरलेस होकर खेला है, किसी चीज़ का डर नहीं रहा है पूरी जर्नी पर। बहुत ही मज़े करें, बहुत ही फन किया है, बहुत ही इमोशनल ब्रेकडाउन रहे हैं, बहुत एग्जॉशन हुआ है शो में, बट एंड ऑफ द डे इट वॉज वर्थ इट, क्योंकि सारी चीज़ें दिल से करी। एक पर्सनैलिटी वाला जो शो होता है ना, या पर्सनैलिटी वाली जो भी जर्नी होती है, उस पर आपकी इंडिविजुअलिटी दिखनी चाहिए, एंड मैंने इस शो पर सारे इमोशंस दिए हैं, चाहे वो एग्रेशन हो, चाहे वो लव एंगल हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, मैंने बहुत दिल से किया पूरा जर्नी। बहुत मजा आया, बहुत ब्रेकडाउन भी आया। एक टाइम ऐसा आया जब मुझे ऐसे लगा कि यार अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब बहुत एक्सट्रॉशन हो चुका है, अब इससे ज़्यादा हम लोग पुश नहीं कर पाएंगे। उस मोमेंट पे मैंने सोच लिया था कि या तो आ रहा है या पार है, या तो ये शो जीतना है या अभी घर चला जाना है। तो उस टाइम पे पूरी दिल और जान से खुद को समझाया, वापस सेम जोन में रहे और वापस परफॉर्म किया, और वो टास्क जीते हम लोग। दैट वॉज टिकट टू फिनाले, जब हम लोग दो टास्क बैक टू बैक हार रहे थे, और हमारा ना मोटिवेशन की धज्जियाँ उड़ चुकी थी ट्रस्ट में, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि टास्क इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी हम लोग हार जा रहे थे, तो हमारी गैंग के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि हम लोग जीत ही नहीं पा रहे, हमारा कमबैक ही नहीं हो पा रहा है। एंड शो का मेन टास्क कर्मकांड, टिकट टू फिनाले हम लोग जीते, इतना अच्छा लगा। जैसे बोलते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो ना, अगर आप जीत के पीछे भाग रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो उस चीज़ के पीछे, और शिद्दत से देख रहे हो उस चीज़ को, तो आपको वो जीत मिलती है लाइफ। सीरियसली बताता हूँ कि जब आप क्लोज टू फिनाले होते हो ना, मतलब ट्रॉफी के एकदम करीब होते हो ना, और वो ट्रॉफी आपके हाथ से निकल जाए, तो दिल में ना एक धक्का सा लगता है। तो वही है, पर मैं एक चीज़ पर बहुत बिलीव करता हूँ, मैं आई थिंक आई हैव डन 10 to 11 टीवी रियलिटी शोज़ इन माई लाइफ, एंड मैं कोई भी शो जीता नहीं हूँ, पर मैं जब भी वर्ल्ड वाइड भी ट्रैवल करता हूँ तो लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैंने दिल जीते हैं टाइटल से ज़्यादा। तो वो बहुत मैटर करता है कि आपकी जर्नी, आपका शो का एक पेस कैसा रहा है, आपने क्या इम्पैक्ट दिया है शो पे। तो आई थिंक हार जीत से बड़ा ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, कोई भी टाइटल से बड़ा लोगों का दिल जीतना होता है। तो मैंने हमेशा दिल जीते हैं, एंड मैं वही कोशिश करता हूँ कि यार देखो, टाइटल तो आप जीत लोगे, पर लोगों की, जनता को कैसे जीतोगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर जनता आपके साथ है ना, तो मुझे लगता है कि और कोई पावर आपको चाहिए नहीं लाइफ। यार प्रिंस भाई से सच बताओ ना, प्रिंस भाई से सब लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन है कहीं ना कहीं पे, और क्योंकि वो इतने टाइम से रोडीज करते हुए आ रहे हैं। तो जब मैं गया था उनकी गैंग में गया था, पर जब उन्होंने मुझे ड्रॉप ऑफ किया, उसके बाद बहुत सिचुएशन बदल गई थी, क्योंकि मैं उनके ऑपोजिट खेल रहा था। और प्रॉब्लम क्या होती थी ना, कि उनके डिसीजन हमारे लिए होते थे कि वो हमको बाहर निकालना चाहते हैं, और हमको उसके अपोजिट जाना पड़ता था। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत बहस हुई शो पर, बहुत जर्नी पर बहुत बातें हुई। एक चीज़ याद है कि जब मैं, उन्होंने बोला था कि मैं गेम चेंज कर देता हूँ, मैं गेम पलट देता हूँ, तो मैंने बोल दिया था वी आर रेडी फॉर इट, बिकॉज यार आई वॉज फियरलेस ऑन द जर्नी। यार मेरे को किसी चीज़ का डर नहीं था, मैंने बोला था जर्नी पर कि भाई मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, बस भगवान का डर है, बाकी मैं किसी के बाप से नहीं डरता, क्योंकि मैं यहाँ पे खुद के लिए आया हूँ, खुद की जीत के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पे, यहाँ प्रिंस रोला के लिए आया हूँ ना, मैं यहाँ पे सोनू सूद सर के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पे खुद के लिए आया हूँ, और मैं इतना कुछ सैक्रिफाइस करके अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो वो जीत मेरी होनी चाहिए, या फिर वो जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वो जीत उन लोगों की होनी चाहिए, यू नो। तो मुझे ऐसा ही फील हुआ कि भाई मुझे जो लगता है, मेरा पॉइंट जो मुझे लगता है कि मुझे लगता है ये सही है अभी इस टाइम पे, तो मैं बोलूँगा, चाहे किसी को उस चीज़ के लिए बुरा फील हो, चाहे किसी को ऐसा लगे कि मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, बट मैंने कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जर्नी पे। मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज रखे। सब लोग बोलते हैं कि आप जर्नी पे जाते हो लोग आपकी पर्सनालिटी देखते हैं, तो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखने आने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है कि मैंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज रखे, जो मुझे लगता था सही है मैंने वो किया, किसी के लिए वो कांड लगा होगा, पर वो मेरे लिए करा मैं, जो मैंने क्या जर्नी पे। यार देखो सच बताऊँ, जब मैं आउट हुआ ना, तो एक चीज़ तो मैंने देखी कि जर्नी में मुझे सारे गैंग लीडर्स ने प्यार किया, चाहे वो प्रिंस भाई हो, चाहे वो गौतम सर हो। रिया मैम के साथ तो एक बोलते हैं ना कि क्लोज बॉन्डिंग, मतलब मैं जब जर्नी पे गया था,
रिया मैम के साथ मैंने सोचा नहीं था कि मेरी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैं मेरे को पता नहीं था कि उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी थी, बहुत सारी बातें सुनी थी, पर जब मैं उनको पर्सनली मिला ना तो मैं बहुत इंप्रेस हो गया उनसे। ट्रस्ट में मैं इतना इंप्रेस हो गया क्योंकि वो बहुत ही हम्बल है, बहुत काइंड है। एंड गौतम सर के साथ उनका तो मतलब जो नेचर है ना, वो बहुत ही हम्बल इंसान है, बहुत ही फन और जॉली। जब मैं उनकी गैंग में भी था ना तो हम लोग बहुत मस्ती करते थे, वो जब भी टास्क एक्सप्लेन करते थे तो बहुत हंसी आती थी उस टाइम पे, पर बहुत मज़ा आता था उनकी गैंग में। एंड प्रिंस भाई कैसे, वो फायर स्प्रिट वाले बंदे हैं, उनको भाई रोडी से प्यार है, तो रोडी से एकदम दिल से मोहब्बत है, तो वो एकदम वो जोन में रहते हैं, एकदम फायर वाले जोन में कि टास्क परफॉर्म करो, फाड़ो, जीतो और घर निकलो। तो तीनों जो जिसका ना एक नेचर है, रिया मैम का नेचर बहुत क्यूट है, बहुत बबली है, जॉली है, गौतम सर फनी है, बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर है, प्रिंस भाई वही फायर स्प्रिट वाले हैं जो जिनके अंदर एक जोश है, एक मोटिवेशन है। तो कहीं ना कहीं पे तीनों गैंग लीडर से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और जब मैं आउट हुआ तो तीनों गैंग लीडर ने मेरी बहुत तारीफ भी करी कि मैं, मेरे को अभी भी याद है एक वर्ड, रिया मैम ने बोला था कि तू स्टार निकला है शो से। तो ये सारी चीज़ें जो जिनकी वजह से ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हार या जीत से बड़ा ना लोगों को, जो जिन लोगों का मैंने प्यार कमाया है, वो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यार वो सच बताओ ना, हम लोग नम हो गए थे उस दिन, क्योंकि समझ में नहीं आता कि भाई ये हो क्या रहा है, मतलब ये हमारा शो है, कंटेस्टेंट का शो है, और गैंग लीडर्स आपस में झगड़ रहे हैं, कि इतना भयानक हो गया था वो। आई रिमेम्बर कि आपस में वो लोगों के हाथ उड़ जाते उस दिन। अगर कंटेस्टेंट्स बीच में नहीं आते और सोनू सर बीच में नहीं आते तो वो एक दूसरे में या तो थप्पड़ वप्पड़ मार देते या फिर कोई किसी का सर्वर फोड़ देता, क्योंकि वो इतना एग्रेसिव हो गया था, इतना ख़राब सिचुएशन हो गया था कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा था कि गौतम भाई को रोकें या प्रिंस भाई को रोकें, क्योंकि दोनों अपने आप में एक अपनी एक पर्सनैलिटी है। तो वो उनको गाली दे रहे हैं, वो उनको समझा रहे हैं, वो उनको गाली दे रहे हैं, वो उनको समझा रहे हैं। तो ये बहुत ही चिंगारी से शुरू हुआ था, पर इतनी बड़ी आग लग गई थी उस दिन सेट पे, तो उनको रोकना। जब यूबिका भाभी आई तब जाके प्रिंस भाई रुके, गौतम सर को समझाया सोनू सर ने, तब जाके लड़ाई शांत हुई, नहीं तो भाई उस दिन तो हम लोग ही खुद पट गए थे, क्या हो रहा है भाई, मतलब इतने झगड़े तो हम लोग नहीं कर रहे, इतने गैंग लीडर्स कर रहे हैं। बट दैट्स ओके, आई थिंक एक कोल्ड वॉर होना चाहिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए झगड़ा करना भी चाहिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने भी चाहिए, अपनी हर एक चीज़ को प्रायोरिटी देना चाहिए। तो दोनों गैंग लीडर्स अपना पॉइंट प्रूव कर रहे थे, बट ठीक है, हमको तो मज़ा आता। यार गलती का नहीं बोल सकता मैं, पर मुझे लगता है कि दोनों की पर्सनैलिटी बहुत अलग है। जैसे बोलते हैं ना फायर आइस वाला पर्सनैलिटी है, गौतम सर आइस हैं, प्रिंस भाई फायर हैं, तो वो कॉम्बिनेशन जो है ना, वो कहीं ना कहीं पे अगर फायर फायर हो तो आग लगनी है। क्या होता है कि जब कोई आपको बहुत ज़्यादा प्रोवोक करे, कोई आपको बहुत ज़्यादा बोले, तो आपके अंदर का वो भी बाहर आ जाता है कि मतलब कि भाई अब इतना ज़्यादा क्यों बोल रहे हो, यू नो, आप एक गैंग लीडर हो। तो गौतम सर का पॉइंट हमेशा ये रहता था कि आप गैंग लीडर हो, आप गैंग लीडर की तरह बिहेव करो। एंड प्रिंस भाई क्योंकि वो रोडी से इतने कनेक्टेड हैं इमोशनली, तो उनका वो कंटेस्टेंट वाला जोन बाहर आ ही जाता है, आप कितना भी कंट्रोल करो बट वो इमोशन है उनके अंदर। तो कहीं ना कहीं पे वो चीज़ बहुत डिफरेंस क्रिएट करती थी उन दोनों के बीच में, पर ठीक है यार, दोनों अपनी जगह पे सही है मेरे हिसाब से। बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, क्योंकि यार ये जर्नी ना बहुत ही, मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत ही मैंने हमेशा बोला, हर इंटरव्यू में बोला है, आज भी बोल रहा हूँ, रोडीज इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, बिकॉज मैंने ना इतनी वर्स्ट सिचुएशन में सर्वाइव करना सीखा है। एंड हमको याद है, हम लोग बिना खाते हुए परफॉर्म करते थे, और हमको खाना नहीं भी मिलता था, हम तभी भी वही जोश में परफॉर्म करते थे, या कभी ऐसे हम लोगों ने हार नहीं मानी पूरी जर्नी पे। गैंग लीडर से सीखने को, मतलब स्पेशली सोनू सर से सीखने के लिए मिला। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब वो समझा रहे थे हमको कैंप में बैठा कर, वो बोल रहे थे कि यार ये जो बाहर की दुनिया है ना, मुझे बड़े बैनर्स के साथ काम करना है, मुझे धर्मा के साथ काम करना है, मुझे यशराज के साथ काम करना है, ये सब चीज़ें ना बहुत छोटी हैं। जब आप किसी इंसान के साथ, जो रोड पर चलता हुआ इंसान, उसके साथ जुड़ते हो ना, उससे बड़ी सक्सेस कुछ नहीं है लाइफ में। तो मैं, वो जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना, मैं कहीं ना कहीं पे उस चीज़ पे उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। मैं बहुत ही क्योंकि मैं खुद हरियाणा से आता हूँ यार, मैं ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ पे हमारे घर पे चार दिन के खाने के लिए सोचना पड़ता था। एंड बाय गॉड के लिए सभी तो सारी चीज़ें बहुत गुड है, वेल एंड गुड है, पर मैं वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता। सबको अचीव करना चाहिए, सबको सपने देखने चाहिए। अगर आप सपने खुद के लिए नहीं देख रहे हो ना, तो भाई आपको डूब के मर जाना चाहिए, सीरियसली बता रहा हूँ। अगर आप अपने सपने देखते हो, उनके लिए मेहनत करते हो, दिन रात जागते हो और काम करते हो उन सपनों के पीछे, और इतने फोकस रहते हो, तो मतलब है इस सिटी में आके रहने का। नहीं तो जो लोग आ जाते हैं ना दिल्ली से, सच बता रहा हूँ, मैं भी आया था एक सपना लेकर कि भाई मैं जाऊँगा और काम मिलना शुरू हो जाएगा, पर मैं जब आया ना इस शहर में, मेरे को इसने मेरी असलियत दिखा दी कि भाई मैं क्या हूँ और मुझे क्या करना है और मुझे कहाँ पहुँचना है और मुझे उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने, आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने चार चार दिन ना सोकर भी काम किया है इस शहर में,
और 4-4 दिन ना खाकर भी काम किया है शहर में, तो ये शहर आपको देता है अगर आप दिल से, सच्चे दिल से मेहनत करते हो और हार्डवर्क करते हो ना, तो ये शहर आपको कभी पीछे नहीं रखता है, ट्रस्ट मी। तो सोनू सर ने मुझे वही समझाया था कि आप जब किसी नॉर्मल इंसान के साथ जुड़ते हो ना, उनकी फीलिंग्स के साथ जुड़ते हो, तो वो सक्सेस जो है ना, सबसे बड़ी सक्सेस है। तो या सरप्राइज इज़ कमिंग वेरी वेरी सून गाइस। मतलब रोडी जैसे ही ख़त्म हुआ था, हम लोग एक बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, एंड सच बता रहा हूँ, मेरी जो डांस कम्युनिटी है, जो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, डांस के जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं, डांस के जितने भी मेरे फैंस हैं ना, उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ मैं लेकर आ रहा हूँ। इस बार कोई डांस वीडियो नहीं होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा जो आप रेगुलर देखते हो, इस बार होने वाला है कुछ तो स्टार वाला वाइब, एंड यू विल सी सचिन परफॉर्मिंग इन अ वे जो आपने कभी पहले नहीं देखा है, एंड वेरी प्रॉमिसिंग इट इज़। बहुत ही प्रॉमिसिंग चीज़ है यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, अभी भी हमारा एडिट चल ही रहा है, मतलब अभी भी हम लोग वो प्रोजेक्ट को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, इतना प्रॉमिसिंग हो गया वो हमारे लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से उस काम में कोई एक भी गलती हो, तो इसलिए उसकी डिटेलिंग पे काम कर रहे हैं। गाइज वेट फॉर इट, जस्ट वेट फॉर इट, फ्यू डेज टू गो, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, आई प्रोमिस। मतलब रियलिटी शो ही है? रियलिटी शो नहीं है, डेली शो। एक मेरा गाना आ रहा है गाइज, मैं चलो बोल देता हूँ अभी ऑफिशियली, मेरा एक गाना आ रहा है जिसके पीछे बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे, और फाइनली ये जो बेबी प्रोडक्ट है वो बाहर आ रहा है, एंड द बेस्ट पार्ट इज आई एम रिलीजिंग इट फ्रॉम माय प्रोडक्शन हाउस, एंड वो भी शुरू होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है लाइफ में, सो आई एम सुपर हैप्पी फॉर दैट। वेट फॉर दिस सॉन्ग, अगर इसने हल्ला नहीं मचाया ना पूरे इंडिया में, तो मेरा नाम बदल देना यार। मैं किसी को फैंस वैंस नहीं बुलाता, सच बताता हूँ, मुझे लगता है कि जो लोग मेरे पोस्ट पर आके कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, वो सब लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। मैं मेरे फैमिली मेम्बर्स को कभी लेट डाउन फील नहीं कराऊंगा, और मैं उनसे जितना वो मुझसे प्यार करते हैं, कहीं ज़्यादा गुना मैं उन लोगों से प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ वो लोग मुझे ऐसे ही प्यार करते रहें, किसी को कोई हेट नहीं है, हम लोग नो हेट जस्ट फैक्ट्स वाले, फैक्ट्स बोलते हैं, जो भी होता है दिल पे बोलते हैं, एंड आई लव यू गाइज, कीप सपोर्टिंग मी, इट्स योर बॉय सचिन शर्मा डांस, लव यू गाइज।